हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा समोसा, यानी कि आलू वाला समोसा नहीं, पिज़्ज़ा वाला समोसा। और बहुत ही ट्रस्ट मी डिलीशियस बन के रेडी हुआ था। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया और 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया और उसे अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपना डो रेडी कर लिया। और डो हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइट रहे डो। और जब डो अच्छे से बन गया हमारा, तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। इसके ऊपर मैंने एक कपड़ा से इसे अच्छे से कवर कर लिया। और यहाँ पर हम फिलिंग बनाएंगे। अब फिलिंग के लिए मैंने कैप्सिकम, कैरेट और चॉप्ड गार्लिक यूज़ किए हैं और फ्रोज़न मटर और बॉयल कॉर्न का यूज़ किया है। तो अब एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी चॉप्ड गार्लिक डाले और उसे अच्छे से सॉटे करने के बाद मैंने ऑनियन ऐड करी। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया और गैस की फ्लेम को लो कर दिया और इसे अच्छे से सॉटे कर लिया। उसके बाद अपनी जितनी भी वेजीज थी एक एक करके वो ऐड कर दी और इसे 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लिया ताकि हमारी जो वेजीज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद हमने कुछ मसाले ऐड करे, जैसे सॉल्ट। सॉल्ट आपको एज़ पर टेस्ट यूज़ करना है। और फिर उसके ऊपर ऐड किया हमने ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें डाली सॉस, जैसे टोमेटो केचप, और यहाँ डाली हमने पिज़्ज़ा सॉस। आप जो ब्रांड की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे अपना ओरिगैनो फ्लेक्स। मैंने यहाँ पर ओरिगैनो मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। और उसके बाद ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद जो मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया था, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को आपको ऑफ़ करके ही इसे आपको इसमें मिक्स करना है। मिक्स करके अब हम इसे अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैंने छोटे छोटे डो के साइज़ बना लिए थे और इसको मैंने ओवल की शेप में फ्लैट कर लिया था। अब इसके बाद हम मैंने एक बाउल में मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया और 1 टेबलस्पून पानी करके इसकी स्लरी बना ली और इसको ना इसमें फोल्ड करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए यूज़ किया ताकि अच्छे से ये समोसा जो है इसमें ना पेस्ट हो जाए। और ऐसे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल आपको ऐसे ही पेस्ट करना है। पहले कॉर्नर इसको अच्छे से पेस्ट करने हैं, फिर अपनी फिलिंग ऐड करनी है, फिर इसके साइड में कॉर्नर में दोबारा स्लरी ऐड लगानी है और हमारे समोसे को अच्छे से कर लेना है पैक। मैंने 1 बाय 1 करके अपने समोसे सारे रेडी कर लिए और इसे मैंने हॉट ऑयल में मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से कर लिया फ्राई। और आप भी ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू विल लिसन द साउंड ऑफ क्रिस्पीनेस, इट्स अमेजिंग। ट्रस्ट मी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए थे। एंड प्लीज़ अगर आपको भी अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Help me to grow. Thank you.